रास्ता दिखा दे या खुदा। उसने आपसे अपनी असलियत छुपाई। अपने शौहर के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ अम्मी। आप उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा देती रही, जबकि आप देख रही थी कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आप फिर भी मेरी तकलीफों में मजीद इजाफा कर रही थी अम्मी। आप पहले दिन से हकीकत जानती थी ना अम्मी। सीधे सीधे कह क्यों नहीं दिया कि हम मां को इंसाफ दिलाने से ज्यादा आपको वासे अहमद का पैसा अजीज है। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है। ऐसी बात नहीं है तो आप अपने बेटे के हक में क्यों नहीं खड़ी हुई। क्या औलाद से वही होती है जो जिंदा हो? मरने वाले से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं इंसान के। तो भाई भाई इसकी जबान क्यों नहीं कोई खींच लेता। आप खामोश रहिए। मैं किसी भी सूरत अपने शोहर के खून से आपको मुस्तकबिल सवारने नहीं दूंगी। सुना, आप लोग इसकी बकवास सुन रहे? वो हरत बोल रही है जो खुद अपने शोहर की कातिल की बीवी के पैसों पे अय्याशा करके आई और मुझ पे उंगलियां उठाएगी। ठीक कहा आपने, एक बार फिर बहुत बड़ी गलती हो गई पहचानने में। खुदा की कसम, अगर एक बार भी पता होता ना वो मेरी मोहसिन नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है, उस घर का नमक ना खाती। तुम्हारा नमक तो यहाँ पर भी खत्म हो गया है। अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। एक मिनट, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उस छत के नीचे रहना नहीं चाहती जहाँ हम मां के कत्ल के सौदागर रहते हो। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी अम्मी, आप बेफिक्र रहिए। खुदा की जमीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। अरे जाने दे अम्मा, जाने दे। दो दिन सड़क पे धक्के खाएगी ना, सारी अकड़ निकलेगी इसकी। लगाम दो तुम अपनी जबान को। देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी बात का तो रोना है अम्मी। सबसे ज्यादा भरोसा आप पे ही था मुझे। आपने धोखा दिया। मैं मानती हूँ बेटा, मैं ममता के हाथों मजबूर हो गई थी। क्यों अम्मी? बेटा आपका वो नहीं था जो बेगुनाह मारा गया? अब आपको मजीद शर्मिंदा करके कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे भी यहां नहीं रहना चाहती। मैं हम्माद के इंसाफ के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूं। Thank you.
आ जाओ, आओ। बैठो। इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए माजरा चाहती। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, बस कोई और समझ ही नहीं आया इस वक्त। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई है। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं सुबह होते ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी रिहाइश का। अब तुम ये बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो तुम सिर्फ मेरी क्लाइंट ही नहीं बल्कि रोमाना भाभी की बहन होने की हैसियत से मेरी रिश्तेदार भी हो, और मेरे घर वालों ने रिश्तेदारों के हकूक अदा करना बहुत अच्छे से सिखाया है, इसलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली तो हैदराबाद में है, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। चलो भाई, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। भाई मैंने तो रात को भी कुछ नहीं खाया था, और अब तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। लो नाश्ता। जी हाँ, याद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तुम्हारे केस के सिलसिले में। उसका क्या फायदा? प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा जज पर। वो जो फैसला सुनाने में बहाने बना रहा है ना, तुम्हारे स्क्रीन पर आते ही यूं फैसला सुनाएगा। वैसे एक बात कहूं, मैंने अपने करियर में तुम जैसी बहादुर लड़कियां ना होने के बराबर देखी। तुमने वाकई ही बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो कब का अपने ससुराल के दबाव में आकर अपने शोहर का खून बेच चुकी होती। तुम्हें इंसाफ दिलवाना मेरे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्या ये बात सच है कि वासे अहमद और उनकी फैमिली ने आपको पैसों के बदले खून माफ करने के लिए प्रेशराइज किया था? जी हाँ, बात सच है, बल्कि मेरी सास और देवर तो उन्हें माफ भी कर चुके थे। हमाद को गैर शादीशुदा बताकर मुझे उनकी ज़ौजियत से निकाल दिया गया था। ये तो खुदा का करना हुआ कि मुझ पे हकीकत खुल गई, तभी मैंने दोबारा कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए। क्या आप हमारे जरिए से आला हुकाम को कोई पैगाम पहुंचाना चाहेंगी? जी हाँ, मैं बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगी कि जब सारे सबूत सामने हैं तो कोर्ट अब फैसले में देर ना करे, जितना जल्द से जल्द हो सके मेरे शोहर को इंसाफ दिलाए। मैं खुद उम्मीद हूँ हमाद के मुजरिम को अब सजा मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और हाँ, आपके तवस्सुत से मैं एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। इस केस का फैसला हर उस जागीरदार और बिजनेसमैन के लिए सबक होगा जो ये समझता है कि पैसे के जोर पर कोई भी जुर्म आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू। मेरी इत्तला के मुताबिक मीडिया की तरफ से जज साहब पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि आज या कल के दिन फैसले की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। मतलब
मतलब मेरे भाई को उसे को अब सजा हो जाएगी। मैं ना चाहकर भी बिल्कुल मजबूर हूँ। अब वासे की तरफ से किसी भी अच्छी खबर का मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अंकल आप तो इतने एक्सपीरियंस लॉयर हैं, आप ही कोई हल निकालिए। बेटा मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं हर मुमकिन तुम्हारे शौहर को बचाने की कोशिश करता, लेकिन क्या करूं, मैं खुद बहुत बेबस हूं। वासे को बचाने का जो एक तरीका था वो मकतूल की बीवी का माफीनामा था, जो कि आप दोनों जानते हैं कि अब मिलना नामुमकिन है। अब बुझी ना अंदर की आग। अरे क्या समझा था दोनों बहन भाइयों ने, हाँ मुझे जलील करें और मैं दब कर बैठ जाऊंगा। मजा आएगा ना जब अदीला अपने भाई की लाश सूली पर टंगी देखेगी। वासे की मौत के बाद अदीला भाभी के दिल में तेरे लिए नफरत अब और बढ़ जाएगी। हाँ अगर वो बच जाता तो शायद वो तुझे माफ कर देती, लेकिन अब वो तुझे देखना भी गवारा नहीं करेगी। तूने जिस तरह वासे के वकील को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको सजा दिलवाने में जो मरकजी किरदार अदा किया है, तू अपना पत्ता खुद ही काट चुका है बेवकूफ आदमी। अब सोचती हूँ अगर उस दिन काश आपके साथ चली गई होती, आपको इतना गुस्सा नहीं आता, आज आप यहाँ इस हाल में इस तरह नहीं होते। ऐसा नहीं है दुर्गा, मेरे नसीब में जो लिखा है वही मिल रहा है मुझे। एक दुख जरूर है कि मेरी खता की सजा सिर्फ मुझे नहीं सबको भी मिलने जा रही है। मेरी एक गोली ने उस लड़की की जिंदगी खराब करने के साथ साथ मेरी बेटी के सर से शफकत का साया भी छीन लिया। मेरी मौत के बाद भी ये मुझे चैन से नहीं रहने देगी। ऐसे प्लीज मत करें ऐसी बातें। मैं हकीकत बता रहा हूँ दुरिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज। मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम सबको आजमाइशों में छोड़े चला जाऊंगा। मेरे बाद मेरी बच्ची को मेरी कभी का महसूस हो रही थी, उसे हमेशा बता रहा कि उसका बाप जिंदा होता है तो दुनिया की हर खुशी उसके कम होती है। तो तुम कदर के पास जाना और उसे कहना कि मुझे माफ कर दे,
तो उसके माफ करने से सुकून मिल सके। तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसके पाँव भी पकड़ने पड़े तो तुम हिचकिचाना मत। मेरी मगफिरत तभी होगी जब वो मुझे माफ कर देगी। तो तुम वादा करो, तुम उसके पास जाओगी, उससे माफी मांगती रहोगी, जब तक वो माफ नहीं करेगी तुम उसकी। जाऊंगी उसके पास। अदालत मोहम्मद अम्मार कत्ल केस में तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम वासे अहमद को मुजरिम तस्लीम करती है और उन्हें मकतूल मोहम्मद अम्मार का कत्ल करने के जुर्म में ताजीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे शोहर के कातिल को सजा हो गई। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी इस इंसाफ की जंग में तुमने एक बेकसूर बेगुनाह के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है। तुम मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ठहरा सकती हूँ, बिल्कुल ठहरा सकती हूँ। क्योंकि आज जो होने जा रहा है ना कदर, ये इंसाफ नहीं है। तुम्हारे शोहर का कत्ल एक हादसा था, इत्तेफाक था। मेरी इस बेटी की यतीमी एक इत्तेफाक नहीं होगी, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते बूझते किया है। तुम्हें तो मालूम है ना कि बचपन में यतीमी कितना बड़ा इम्तिहान होती है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें इस मासूम पर रहम नहीं आया ना। तुम अपने इंतकाम की आग में इतना झुलस चुकी हो कदर, तुमने मेरी बेटी से उसकी बाप की शफकत का साया छीन लिया। पर कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी आज की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बस एक बात जरूर याद रखना कि आज तुम में और अदालत में सजा पाने वाले मुजरिम वासे अहमद में कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि अगर वासे अहमद तुम्हारे शोहर का कातिल है ना, तुम आज दुर्रे फिशा के बाप की कातिल हो। तुम्हारी इस नफरत की आग ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दिया कदर, सब कुछ तबाह कर दिया।
बिल्कुल इल्जाम दे सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि आज जो होने जा रहा है ना कदर, ये इंसाफ नहीं है। तुम्हारे शोहर का कत्ल एक हादसा था, इत्तेफाक था, लेकिन मेरी इस बेटी की यतीमी एक इत्तेफाक नहीं होगी, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते बूझते किया है। तुम्हें तो मालूम है ना कि बचपन में यतीमी कितना बड़ा इम्तिहान होती है। तुम अपने इंतकाम की आग में इतना झुलस चुकी हो कदर, तुमने मेरी बेटी से उसकी बाप के शफकत का साया छीन लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी आज की जीत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ, खुशी के मारे नींद नहीं आ रही? मुझे भी। नहीं, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्ची की रोने की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं जब से। ओह, तो उसकी बीवी गिल्ट में मुब्तला कर गई तुम्हें? नहीं, ये तो वो कभी नहीं कर सकती। शायद मुझे उस बच्ची से इतनी उनसियत हो गई है। माफ करना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिल चाह रहा है लेकिन दिमाग आड़े आ जाता है ना? इतनी मेहनत भी तो की है। मैं देखो, दुनिया का कोई भी फेल किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होता। मैंने मेहनत केस जीतने के लिए की थी और वो तो हम जीत चुके। और अब अगर तुम कातिल को मुआफ करके उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका देना चाहती हो तो यकीन मानो, ये फांसी से भी बड़ा फेल है। सोचो और फिर मुझे बताना। ये क्या है? मुफीनामा। Are you sure? किसी गिल्ट की वजह से तो डिसीजन नहीं ले रही ना? बिल्कुल भी नहीं वकील साहिबा।
मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे लगता था कि कातिल को सजा दिलाकर शायद मेरे दिल और दिमाग सुकून में आ जाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरी नफरत की, मेरी जिद की आग तो ठंडी हो गई है, लेकिन मेरा दिलो दिमाग अब तक बेचैन है। अब मैं अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए किसी मासूम की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती। मैंने भी यतीमी की जिंदगी गुजारी है, अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बचपन में बाप का साया सर से उठ जाए ना, तो जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारना कितना भारी हो जाता है खुद पे। मुझे तुम्हारी तकलीफों का एहसास है, लेकिन फिर भी तुमसे यही कहना चाहूंगी, दोबारा सोच लो। मैंने सोच लिया वकील साहिबा, ये सच है कि मुझे मंजिल पे पहुंचने की खुशी तो जरूर होगी, लेकिन उस खुशी के पीछे किसी के आंसू होंगे, किसी की बेबसी होगी, कोई मासूम बच्ची यतीम हो जाएगी। हाँ, वो लड़की जिसने मेरा इतना साथ दिया है, वो बेवकी की जिंदगी गुजारेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने नहीं मांगा। और वैसे भी अब ये जरूरी तो नहीं कि अगर आप लुट जाएं तो बदले में दूसरे को लूट कर ही करार हासिल करें। ऐसा नहीं चाहती मैं। इस माफीनामा पे दस्तखत करके मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ आज। सच कहूँ, तुम बहुत बहादुर और बड़े दिल की मालिक हो। मेरी नज़र में तुम्हारा ये फैसला इंतहाई काबिल सताइश है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अगर आपको परेशानी ना हो तो बस एक और काम कर देंगे मेरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये नंबर, इसकी मालूमात चाहिए मुझे। ये वही नंबर है जिससे मुझे दुरिया की हकीकत का पता लगा था। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है ये शख्स। ओके। वासे की मौत के बाद अदीला भाभी के दिल में तेरे लिए नफरत अब और बढ़ जाएगी। तूने जिस तरह वासे के वकील को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको सजा दिलवाने में जो मरकजी किरदार अदा किया है, तू अपना पत्ता खुद ही काट चुका है बेवकूफ आदमी। अदीला को क्या पता कि कदर को यह बात किसने बताई थी। उसे तो दुश्मन को फांसी दिलाने से मतलब था, सो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।
देखो अदीला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, बट प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो। देखो इस परेशानी के वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तुम मुझे मेरी गलतियों की जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, पर प्लीज एक बार तो मेरी कॉल अटेंड कर लो। हाँ मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा हूँ। मैं पहले ही पछतावे से गुजर रहा हूँ अदीला, मेरे लिए जीना मुश्किल और मरना आसान हो जाए। देखो तुम मुझे माफ ना भी करो तो भी इस तकलीफ में तुम लोगों के पास तो आने दो। साहब आज मैडम बुला रही है। वासे की सजा का तो तुम्हें इल्म हो ही गया होगा, खुशी भी बहुत हुई होगी, यही चाहते थे ना तुम? नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो हाँ मैं मानता हूं मैं अपनी लालच में बहक गया था, पर यकीन करो मुझे वासे के लिए दिल से काफी दुख है। हमने एक साथ वक्त गुजारा है अदीला, मुझे उतनी ही तकलीफ है जितनी तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम, सब जानती हो। तुम अभी भी यहाँ अपनी मजबूरी में आए हो, मेरे या मेरे भाई की फिक्र में नहीं। नहीं ऐसा हरगिज नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर इस इम्तिहान की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अब सिर्फ मेरी अजियतों में इजाफा होगा। जब तुम्हारी शक्ल देखती हूं तो मुझे अपने भाई की तकलीफें याद आती है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बीच में जो सिर्फ कागजी रिश्ता रह गया था ना, मैं बहुत जल्द उसे भी खत्म करने वाली हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती अदीला, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना, याद है? याद है ना? हाँ कैसे भुला सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। काश उसी लम्हे मेरा दिल मर चुका होता, आज मेरा भाई अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ना गिन रहा होता। ये दिला मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अदीला, प्लीज खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो। छोड़ो मेरा प्लान, मैंने कहा है ना तुम्हें कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूं। तुम शराफत से यहां से निकलो, मुझे दोबारा कभी नजर मत आना। अदीला
रास्ता दिखा दे या खुदा।